सब्जेक्ट तो बहुत ही प्यारा है, ये बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट है. इट्स अबाउट ट्रांसजेंडर हु रेजेज अ चाइल्ड विच इज़, मतलब उसे सोसाइटी से जो है वो निकाल दिया गया है, तो उसको किस तरह उस पे वो काम करती हैं, उसको बड़ा करती हैं, पालती हैं. और फिर ये जो गीत है ये ईश्वर से मतलब जोड़ देने वाला ऐसा एक गीत है, बड़ा रूहानियत वाला गीत है. और एज़ यू नो कि ये पूरा सब्जेक्ट जो है वो बॉबी कुमार का है, उन्हीं की फिल्म है ये, और अजय शंकर ने इसका म्यूज़िक दिया है. तो मुझे वैसे भी इस तरह के काम करने में सुकून मिलता है. ये बहुत अच्छे एक कॉज के लिए मैंने किया है, और इसमें मैं कुछ ले भी नहीं रही हूँ किसी तरह का. मुझे बस इसमें सुकून मिला है, बहुत अच्छा लगा है. मुझे बॉबी के साथ बहुत अच्छा लगा, अजय के साथ बहुत अच्छा लगा. इन लोगों ने बहुत प्यार और बहुत श्रद्धा से जिस तरह से ये लोग आए और जिस तरह इन्होंने फिल्म बनाई है, तो मेरा पूरा ये था कि मैं इनके लिए कुछ करूँ. सो आई जस्ट ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू डू दिस सॉन्ग. मैम ये भी जानना चाहूँगी कि आज के ज़माने हम देख रहे हैं कि जो एक्टर्स हैं या एक्ट्रेस हैं वो भी सिंगिंग कर रही हैं, तो जो प्रोफेशनल सिंगर्स हैं आपको लगता है उनके लिए एक और मतलब इम्प्रैक्टिकल चीज़ है, क्योंकि जो काम सिंगर्स का है वो सिंगर्स जब सिंगर्स एक्टर्स बन सकते हैं तो एक्टर सिंगर्स क्यों नहीं बन सकते, आप बताइए. आपको कोई ऑब्जेक्शन? कोई ऑब्जेक्शन क्यों ऑब्जेक्शन होगा? अच्छा है, जो अच्छा काम कर सकते हैं वो करें, क्यों ना करें, बहुत बढ़िया है. अब सिंगर्स कितने थे जिन जो हीरो बन गए या हीरो बनने की कोशिश की जिन्होंने, या जो लड़कियां हैं वो भी एक्ट्रेस बनना चाहती हैं जो सिंगर्स हैं. अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा कोई बनी नहीं, लेकिन अगर अब मैं भी एक्टिंग करना चाहती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकती. अगर मुझे आती है मुझे करनी चाहिए, और अगर एक्ट्रेस गा सकते हैं क्यों ना गाएं, बहुत अच्छी बात है. इस पर्टिकुलर सॉन्ग के बारे में कुछ बताइएगा, द मूड एंड द फील. बहुत रूहानियत है इस गाने के अंदर और बहुत चेंजेस हैं, और इसे अजय ने बहुत प्रेम से जो है बनाया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा गा के, क्योंकि मेलोडी भी थी, रूहानियत भी थी, और इसमें इमोशनल टच भी था. तो सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये ईश्वर से मिला देने वाला गाना है. इसमें जो लफ्ज़ों का इस्तेमाल हुआ है, जो भी लिखा गया है, वो भी बहुत मतलब या अली मौला, तो ये जो है बहुत सूफियत जिसे कह लें कि सूफीपन है इसके अंदर, तो वो तो फिर रूहानी चीज़ हो जाती है. मिलाने की बात आती है तो हम भी आपको मिलने के लिए बहुत बेताब थे, बड़ा प्यारा लगा कि आप गा रहे हैं. दो लाइन गुनगुना सकते हैं? दो लाइन गुनगुना सकती हूँ. ओहो क्या था, अली अली मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली अली. ठीक है, थैंक यू.